हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। तो क्या हालचाल, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि मैं हूँ होंडा बिग विंग के सामने, और जैसे कि आपको पता है फेस्टिव सीजन चल रहा है, और अभी हाल ही में ही एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ आई है होंडा की तरफ से। जो इनकी CB300R थी और CB300F थी, उन दोनों बाइक पर इन्होंने प्राइस कट डाउन कर दिया है, और वो अब मेरे हिसाब से 300cc में मोस्ट अफोर्डेबल बाइक हो चुकी हैं। पहले उनको ओवर प्राइस कहा जाता था। तो चलते हैं अंदर होंडा बिग विंग में। तो आइए आपको दिखाते हैं आज होंडा की तरफ से क्या क्या नए नए ऑफर आ रखे हैं और कौन कौन सी बाइक नई लॉन्च हुई हैं। सबसे मेनली बात करेंगे हम CB300R की, जिसका प्राइस कट डाउन हो गया है। जो पहले बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हाइप बोलते थे कि ओवर बजटेड बाइक बोलते थे उसको, लेकिन अब जब से उसको प्राइस कट डाउन करा है तो मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट बाइक है वो 300cc में। मतलब ड्यूक 390 जैसा पिकअप विकअप उसका सब है, लेकिन आज चला कर भी देखेंगे, हम आपको राइड रिव्यू भी दूंगा एक्चुअल, क्योंकि जो बाइक है वो E20 वाली आ गई BS6 जो नॉर्म्स थे उसका अपडेटेड वर्जन। सबसे पहले हम मिलते हैं, हमारे शमीर जी हैं। कैसे समीर जी? फाइन सर। तो होंडा की तरफ से हमारे साथ हैं, तो इनसे डायरेक्टली जानते हैं कि क्या प्राइस कट डाउन हुआ है, कितना कम करा है होंडा ने, क्योंकि काफ़ी पहले इनको ना ओवर बजटेड मतलब ओवर प्राइस बाइक बोलते थे। तो सबसे पहले हमारे सामने है CB300F। तो सर ये क्या मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन है और ऑन रोड प्राइस क्या है और पहले क्या था वो सब? इसमें बेसिकली कंपनी ने कुछ सिर्फ प्राइस के अलावा और कोई रिड्यूस नहीं किया। अच्छा। इसमें ये पहले ओवर बजट हो जाया करती थी, 2,45,000 के अप्रोक्सीमेट बैठती थी ऑन रोड। ओके। इसको अब रिड्यूस करके 1,97,000 तक ले आए, ठीक है। आजकल यंगस्टर थोड़ी स्पोर्टी बाइक चाहते हैं, उसको लेके काफ़ी मतलब अवेयरनेस है जो आजकल हमारे पास बुकिंग, ये बाइक अभी बुकिंग पर है। ओके। इसलिए एक महीने की बुकिंग पर है, अगर आप बुकिंग कराएंगे तो ही आपको मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए इसके फीचर्स बड़े स्मार्ट हैं, जैसे कि लुक और इसका डिजिटल मीटर, 6 गियर होते हैं इसमें। ओके। 6 स्पीड गियर बॉक्स है। 6 स्पीड गियर बॉक्स। और बाकी मेनली एक चीज़ है कि ये जो है ना CB300F वो एक स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक है, मतलब आप कम्यूटर सेगमेंट में भी बोल सकते हो। जो इनकी एफ सीरीज होती है होंडा की, वो हमेशा से कि आपको कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देती है, मतलब एकदम स्पोर्ट्स स्टांस नहीं होता है। तो उसी सेगमेंट की इंडिया के अंदर CB300F निकालती, इसे आप डे टू डे लाइफ में काफी इजीली यूज कर सकते हो। जैसे स्मार्ट वॉच आपका काम करती है, वही स्मार्ट मीटर है इसमें। अच्छा, ये आप फोन से कनेक्ट? GPS जी, बिल्कुल फोन से कनेक्ट होगा आपका। इसमें जो कोई कॉल आएगी आपके पास वो भी इस पे शो होगा, कोई मैसेज आएगा, कोई व्हाट्सएप आएगा, वो सब इस पर विजिबल हो जाएगा मीटर पर। ओके जी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, उसका लुक ओवरऑल काफी कंफर्टेबल स्पोर्टी स्टांस वाला आ रहा है। सामने से फ्रंट से देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो LED इंडिकेटर मिलते हैं सबसे पहले देखने को, आपको दिख ही रहा है कि इस बजट में मतलब इस सेगमेंट में जो है LED इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं आपको। 300cc का मोस्ट, मैं मानता हूँ अब तक जो इंडिया में है ना मोस्ट अफोर्डेबल 300cc की बाइक है ये। आपको ये 1,97,000 हो गया इसका प्राइस जी, 1,97,000 ऑन रोड, मतलब 2 लाख के अंदर आपको 300cc की बाइक मिल रही है, वो भी होंडा की तरफ से। तो होंडा के जो इंजन है आपको खुद ही पता है, जैपनीज टेक्नोलॉजी है। सबसे मेन चीज ये है कि सबसे रिलायबल माने जाते हैं, इनको लाखों किलोमीटर चला दो जब भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इतने रिफाइंड होते हैं, तो वो चीज़ तो है ही साथ में। और एक ओवरऑल लुक देखो, कलर देखो, कलर की पेंट की क्वालिटी की बात करूँ अगर मैं, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग है। मतलब लग रहा है कि हाँ कोई प्रीमियम बाइक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम आज आए हैं होंडा के प्रीमियम शोरूम में, यानी बिग विंग के अंदर। तो इसके अलावा और भी बाइक्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो इसका प्राइस कट डाउन हुआ है अप्रॉक्स, कितना हो गया कम? 47,000 अप्रॉक्सीमेट इसका भी डाउन हो गया है प्राइस। ओके। तो 47,000 रुपीज कम कर दिए हैं होंडा ने, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आप डे टू डे लाइफ में ऑफिस वगैरह यूज करो और कभी कभी ट्रिप पे भी जा सकते हो आप, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है मैं बोल सकता हूँ। अब चलते हैं आगे फर्दर। तो सर अगली बाइक कौन सी है जो आप दिखाना चाहते हैं? अगली बाइक है सर होंडा की RS 350। अच्छा बिल्कुल, आइए। तो होंडा की हाईनेस की बात कर रहे हैं, RS, अच्छा, जो उसका ही वेरिएंट है, कैफे रेसर टाइप में। बिल्कुल सर, इसमें ये एडिशन मॉडल आया है। अच्छा, ये ब्रांड न्यू अभी लेटेस्ट आया है? बिल्कुल लेटेस्ट, 2023 का लेटेस्ट मॉडल है CB350 RS। तो इसकी कलर स्कीम थोड़ी अलग होती है उस वाली से, कलर चार्ट चार होते हैं इसमें, बेसिक में है ग्रे कलर। ओके। तो ये एक अपने पास कलर ये रखा ग्रे, एक दूसरा ब्लू हो गया है, और तीसरा रेड हो गया है, कैफे रेसर में है, ये किट लगी हुई है इस पे। अच्छा, ये पूरी कैफे रेसर कस्टम किट है? बिल्कुल। तो इसका प्राइस थोड़ा अलग होगा? हाँ, थोड़ा सिर्फ किट का रेट बढ़ता है 17-18,000 के अप्रॉक्सीमेट, 17-18,000 देने पड़ेंगे आपको, लेकिन फुल कैफे रेसर लुक मिल जाएगा इसमें आपको, जैसे कि सिंगल सीट लेआउट मिल जाएगा। और आपको ओवरऑल जो कि RS है, वैसे बताऊँ आपको तो CB350 हाईनेस पर ही बेस्ड बाइक है ये, वही सेम इंजन है इसके अंदर भी, बट ये थोड़ा स्पोर्टी स्टांस में आ जाती है, रेसिंग स्टांस में, तो काफ़ी
लग रहा है, अगर आप स्पोर्ट्स चाहते हो एक बाइक जो कि कैफे रेसर हो तो आप इसको एकदम कर सकते हो। सर इसका क्या प्राइस है इस समय? इस वक्त इसका प्राइस है 2,51,000 टोटल ऑन रोड प्राइस। 2,50,000 जी ऑन रोड। ऑन रोड 350 cc में ये मिड रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी भी है और ब्रांड नेम होंडा है, होंडा है सबसे बेस्ट। बिल्कुल सही बात बोली। और अभी इसके कॉम्पिटिटर में अगर बात करें तो ट्रायम्फ की स्पीड 400 आई है तो वो आपको 2,80,000 की पड़ती है। उसमें अगर 400 cc का इंजन है लेकिन फिर भी होंडा की जो बात करें 350 cc का जो इंजन है इसके अंदर, उसके अंदर जो थंप है वो काफ़ी, मतलब इसको एक्चुअल बुलेट का राइवल निकाला था कि ये मतलब बुलेट से भी ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। आप फ्रंट से खुद ही देख सकते हो कि क्या LED DRL मिल रहे हैं इसके अंदर और क्या हेडलैम्प है, मतलब फुल रेट्रो मॉडर्न लुकिंग बाइक है ये, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप एक रेट्रो मोटर बाइक में देखना चाहते हो। तो इसकी बात हो गई है, ये 2,50,000 में ऑन रोड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट किस पे बात करते हैं सर? इसी में फिर हाईनेस आ जाएगा आपका। एडिशन मॉडल आया लीगेसी, लीगेसी मॉडल आया ये लीगेसी हाईनेस का, जिसमें आपको पीछे शायद मेरे को ये एक्स्ट्रा दिख रहा है जो इस ये एक्सेस में लगाया जाता है थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, इसका बैक रेस्ट लगाया जाता है। हाँ, बैक रेस्ट इसमें है। बाकी आप ये देखिए इसमें जो ये जो इसकी थोड़ा सा डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस में क्रोम ज्यादा देखने को मिल रहा है मुझे। क्रोम ज्यादा है, बेसिकली पूरी आयरन की बॉडी है। ओके, पूरी मेटालिक बॉडी है। पूरी मेटालिक बॉडी है दोनों बाइक्स में। और ये क्रोम के फेंडर और क्रोम का बैक, ये पूरा बैक ना इसका क्रोम का आ जाता है। हाँ, ये क्रोम वाला मतलब क्लासिक लुक आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्जॉस्ट की बात भी करें तो इसका एग्जॉस्ट भी फुल क्रोम के साथ है। पीछे अगर आप रियर मडगार्ड की बात करें वो भी क्रोम में है और फ्रंट में भी आपको क्रोम मिलेगा। तो यानी क्लासिक, बिल्कुल फुल क्लासिक जो बाइक आप देखना चाहते हो। तो जैसे कि ये लेगेसी एडिशन बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर CB350 का लेगेसी एडिशन। तो इसमें ये फीचर है कि आपको क्रोम देखने को मिलेगा, मतलब क्लासिक लुक देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक मैच्योर ड्राइवर, मतलब एक मैच्योर राइडर हैं तो आपको डेफिनेटली ये पसंद आने वाली है, मैं सही कहता हूँ। तो इसका प्राइस क्या होगा सर? इसमें स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 2,41,000। अच्छा, 2,41,000 बेसिक प्राइस। ये RS से और सस्ती है, 10,000 रुपए मतलब जी। ओके, तो ये लेगेसी मॉडल पड़ेगी आपको 2,48,000। ओके, लेगेसी मिलेगी आपको 2,48,000 की और जो इसका सिंपल हाईनेस आता है वो 2,41,000 एक्स शोरूम लाइक दिस। ये दिस ये है इसका बेसिक वर्जन। लेकिन इसमें जो ये दे रखा है ये चीज तो ये एडिशनल लगाई हुई है। ओके, जैसे इसका कस्टम है कंफर्ट कस्टम। ओके, बैक रेस्ट और आपका कॉइल, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर है वो अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकता है बाइक को, जो कि आपकी होंडा की एसेसरीज हैं सारी। बिल्कुल करेक्ट, 100% होंडा की एसेसरीज मिलेगी। ठीक है, यानी जेन्युइन होंडा की एसेसरीज आपको देखने को मिलेंगी और उसमें आप कस्टमाइज करा सकते हो। जैसे कि ये फ्रंट का जो आपका वाइजर है, काउल, जो फ्रंट काउल है या वाइजर बोलो इसको, तो काफ़ी इससे रेट्रो लुकिंग तो ऑब्वियसली बात आ ही रहा है। और पीछे आप बैक रेस्ट लगवा सकते हो कंफर्टेबल राइड के लिए, यानी टूरिंग वगैरह जाते हो तो आप अपने पिलियन के साथ बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको 2,41,000 में मिलती है और ये मिलती है 2,48,000 में, जो कि इसका है लेगेसी एडिशन। इसमें आपको क्रोम का काम ज़्यादा मिलेगा, यानी क्लासिक लुक ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये सिंपल है, इसमें आपको इतना क्रोम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी ये क्लासिक वे में आती है। जैसे कि इसका एग्जॉस्ट देखोगे आप, ये फुल क्रोम है। ये चारों हो गए आपके CB350 के, हाईनेस वर्जन, लेगेसी वर्जन और RS वर्जन। और सर एक और बता रहे हैं, इसी हाईनेस में ही ये सोलो करियर कस्टम लगा हुआ है। Okay. सिंगल, जैसे राइडर जो जाते हैं लॉन्ग राइड पे जाते हैं, उन्हें पीछे अपना बैगेज कैरी करना पड़ता है, तो उसके लिए ये सिंगल सीटर की हुई है। तो ये उन बंदों के लिए ठीक है जो सोलो ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रिप पर जाते हैं, उनके लिए अगर जो चीज़ बनाई है तो ये इसको आप इस तरह से कस्टमाइज करा सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो सिंगल सीट है, सिंगल सीट लेआउट है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको वही हेडलैम्प देखने को मिलेगा जैसे आपको और दूसरी CB350 में देखने को मिलता है, और इंडिकेटर भी इसमें आपको LED देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और इसके बाद करें अगर हम और चीज़ों की तो आपको मैं दिखाता हूँ मीटर कंसोल में, तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, इसमें आपको ABS भी देखने को मिलता है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये थोड़ा सा रेट्रो लुकिंग में ही इसका मीटर दे रखा है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर बात करें इसकी लुक की ओवरऑल, तो ये क्लासिक सिंगल सीटर बाइक है जो आपको देखने में काफ़ी अमेजिंग लगती है। चलते हैं अब नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक है, CB300R, जो कि नीचे है आपके। तो ये है अपनी CB300R, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक है। और अगर मैं बताऊँ तो ये भी मेरी एक बाइक बाय करने वाला, जैसे कि आपको पता है, तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट मतलब लिस्ट में है, मतलब Duke 250 CB300R आपने देख ली। तो सर से ही जानते हैं इस पर भी, पहले इसका एक्सशोरूम प्राइस कितना था सर? पहले एक्सशोरूम प्राइस था इसका 2,90,000 था, यानी 3,20,000-30,000 की पड़ती थी ऑन रोड।
तो मतलब अभी इसका करंट में हो गया है 240,000। मतलब आप समझ रहे हो 240,000 डायरेक्ट 40-50 कितने 50,000 के अप्रोक्सीमेट इसमें रिड्यूस हो गया है प्राइस। 50,000 रुपए डायरेक्ट होंडा ने कम कर दिए इस बाइक पे। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, ये बाइक ना पॉकेट रॉकेट है, मतलब सही मायने में बोले ना पॉकेट रॉकेट। इसमें 300cc का लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि आपकी 35 BHP इतनी इतनी पावर निकालता है। मैं लिख दूंगा क्या एग्जैक्ट पावर फिगर्स है, बट अगर इसके वेट की बात करें तो इसका 140 किलोग्राम वेट है। अगर इसका ओवरऑल लुक ही देखोगे ना, इतनी छोटी सी बाइक उसमें 300cc का इंजन, मतलब ये लगता है कि जैसे कि MT की बॉडी नहीं होती, मतलब यामाहा की MT-155 है, उसमें आपने 300cc का इंजन निकाल दिया है तो वो वाला लुक आता है। तो ये कसम से भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ, फुल ऐसी पावर पैक गाड़ी है जिसके अंदर आपको अच्छा पिकअप मिलता है। मतलब अगर दूसरी 390, अगर ड्यूक 390 की बात करें हम, तो उससे कंपेयर करें ना तो उसका भी जो पुल है ना सेम वैसी पुल आता है। बाकी इसकी एक्चुअली अभी टेस्ट राइड भी करते हैं हम, और आपको फिर दिखाता हूँ उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। बाकी अभी ये यहाँ पर शायद इनका टेस्ट राइड वाला व्हीकल है, न्यू व्हीकल भी आ जाएगा इनके पास ही जल्दी। 320,000 में ये पड़ती थी आपको, तो लोग सोचते थे कि ड्यूक 390 ले लेते हैं या उसके अलावा कोई और सी ले लेते हैं। और इसके कुछ थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन अगर बात करें, अगर जब इस बजट में ये आ गई है ना बाइक, तो इसके कोई ड्रॉबैक्स मेरे को अब नहीं लगते कि ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका 3 लाख का बजट है तो उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये ट्राइम स्पीड 400 का राइवल है मेरे हिसाब से, उसका भी राइवल है, ड्यूक 250 का राइवल है, और कंसिडर कर सकते हो अपाचे RTR 310 में भी। तो ये इन सब चीज़ों बाइक का राइवल हो चुका है। अब आपको होंडा का तो पता ही है कि होंडा के इंजन कैसे हैं, मतलब कि होंडा अपने इंजन के लिए ही मानी जाती है मेन, यही इसकी मतलब रिलायबिलिटी है। आप इसको कितना ही भगाओ, कुछ भी करो, इसमें से आपको एक भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती। बाकी अभी आगे आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ टेक अ राइड। अब एक राइड लेते हैं और चलते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा टेस्ट राइड लेते हैं। ओ भाई साहब, ये देखो यार, इसका स्टांस ही ना पकड़ने का काफ़ी बेहतरीन है। तो मतलब इसका ओवरऑल कॉम्पैक्ट है, हैंडल भी एकदम लग रहा है, मेरे जो पैर हैं वो भी देख सकते हो आप, काफ़ी आसानी से पहुंच चुके हैं, मेरा ऐसे नहीं कि टो ही हो रहा है। तो सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है इसकी, जो 810 mm की है। बस फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो चलाते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट में भी थंप है। तो गाइज चलते हैं इसको लेके। भाई क्या मस्त है यार, देख रहे हो तुम, पहले गियर में अलग ही खींच रहा हूँ भाई, पिकअप है भाई, मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब फर्स्ट गियर में खींच रहा हूँ ना तो मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा भाई, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। तो भाई मतलब मज़ा आ रहा है जो भी है बेसिकली। आप देख सकते हो मैं इसको, तो मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में खुद चला रहा हूँ जानबूझ के, कि इसकी वो देखने के लिए कि अगर आप इसको ट्रैफिक में चलाओ तो कैसे फिल्टर कर सकते हो ट्रैफिक। तो भाई काफ़ी एजाइल है सही बताऊँ तो। MT-15 में लगता है कि 300cc का इंजन दे रखा है, आप खुद देखो, ये देखो, तो आप चेक कर रहे हो ये, तो ये देखो आप फुल, मतलब यार दूसरे गेम चला रहा हूँ मैं, इतना अभी आसपास हूँ हाईवे पे, तो आप देख ही सके होंगे हाईवे पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको इसकी ड्रैग वाली और वैसी वाली। लेकिन जो इसका कॉम्पैक्ट फील आता है ना इस इंजन सीसी के साथ, तो आप अगर फिल्टर कर पाते हो तो मुझे तो नहीं लगता कोई और सी बाइक होगी जो इतनी कॉम्पैक्ट है इस सीसी के साथ। अगर हम बात करें अब जो इसका प्राइस डाउन हो चुका है उसके बाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी की है मेरे को लग रही है बाइक, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है जो इसका प्राइस डाउन हुआ है ना, अभी मोस्ट अफोर्डेबल हो गई है सीसी में, और जो पावर फील करती है। देखो मैं, देखो यहाँ पे पहले गियर में खींचता हूँ, दूसरे गियर में खींच रहा हूँ, दूसरे गियर में भी उठ रही है, मतलब इसमें वो नहीं आ रहा कि उठेगी नहीं गाड़ी, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा सर्विस रोड पे चला रहा हूँ तो मैं खुद भी नहीं भगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेता हूँ यहाँ से यू टर्न और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करिए, अब मैं यहाँ पर आराम से रोड देखता हूँ फिर इसको लेके चलते हैं। अभी दूसरे गियर में भाई, ये देखो भाई, मतलब यार काफ़ी अमेजिंग है, मतलब समझ रहे हो तुम, एकदम पुल दे रही है, एकदम पीछे से पुल आता है एकदम बहुत तगड़ा वाला। तो भाई मैं सच में बोल रहा हूँ कि गाड़ी तो बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब यार आपको कोई कॉम्पैक्ट बाइक मतलब लेनी है वो भी होंडा वाली, तो भाई ये आपके लिए डेफिनेटली है। जब से इसका प्राइस कम हो गया है, अब इसका प्राइस हो गया है 2,40,000 रुपये एक्स शोरूम, यानी कि आपको ऑन रोड रफली ये आपको 2,80,000 में देखने को मिल जाएगी, मतलब 2,70,000-75,000 मिल जाएगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात हो चुकी है। बाकी आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो यार इस प्राइस टैग के साथ, और इतनी कॉम्पैक्ट, मतलब अगर आप शॉर्ट राइडर हो ना, मेरे हिसाब से अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी सी मतलब हैवी नहीं हो, आप अगर चाहते हो एक बाइक लेना जो आप कहीं भी घुमा दो, ट्रैफिक हो या कहीं भी हो, पतली पतली गलियों में से निकाल दो, और आप चाहते हो लॉन्ग टूर पर भी जाना हो उससे, मतलब कॉम्पैक्ट में, तो मैं बोलूँगा इस बाइक को ले लो।
और लुक्स भी देख रहे हो उसके, न्यू कैफे लुक है, रेट्रो लुक है। बस की थोड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जो उसकी लाइट है ना उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले बताऊँ, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। प्लस अगर बात करें हम इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक भी इसका 9.7 लीटर का है सिर्फ। बाकी लेकिन ओवरऑल बाइक की जो राइड क्वालिटी है, जो स्मूथनेस है, जो रिफाइनमेंट है, वो बहुत तगड़ी है, ठीक है, तो वो काफ़ी अमेजिंग भाई मेरे को लगी। तो इंजन, होंडा के इंजन की बात ही आपको पता है कैसी होती है। तो अभी आपने बेसिकली जाना कि इनके पास इतने सारे नए नए वेरिएंट आ गए हैं, प्राइस को भी कट डाउन कर दिया है, प्राइस भी थोड़ा सा कम कर दिया होंडा ने, थोड़ा नहीं यार मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, एक बाइक पर 40,000, एक बाइक पर 50,000 मेन चीज़। और इसके अलावा ये तो आपको मिल ही रहा है ऑफर के अंदर, मतलब जो भी चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें फेस्टिव सीज़न की, तो फेस्टिव सीज़न चल रहा है इस समय, तो दिवाली और नवरात्रों का माहौल है, तो वैसे ही आपको पता है मार्केट के अंदर इतना सारा डिस्काउंट मिलता है इस सीज़न के अंदर, तो होंडा बिग विंग भी आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग ऑफर लेके आई है। तो सर ये हमें समझाएंगे समय, सर सर क्या ऑफर है आपके पास? इसलिए अभी 13,000 का ऑफर चल रहा है। अच्छा जी, इसमें क्या है, एक्सटेंडेड एक वारंटी होती है जो इंजन की वारंटी चलती है, जिसे होंडा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है 10 ईयर्स के लिए। ओके, तो 10 साल की मतलब एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी आपके इंजन की, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, यानी अगर आप इसे वैसे अलग से लेते तो 13,000 रुपये की पड़ती है, अप्रॉक्सीमेट 11,000 रुपये की पड़ती है। ओके ओके, तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपको एक्सटेंडेड 10 ईयर की वारंटी मिल रही है होंडा के। वैसे इंजन इतने रिलायबल होते हैं, लेकिन फिर भी फॉर द इन केस, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ी टाइम पीरियड होता है, तो 10 साल के लिए आपकी बाइक बिल्कुल प्योर सेफ है, बुलेट प्रूफ हो गई है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। 2000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कि कोई बाइक आपके पास एक्सचेंज में है तो मार्केट वैल्यू से 2000 आपको और ऊपर मिलेगा। तो कोई सी बाइक हो, कोई सी ब्रांड की, कोई भी ब्रांड की आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये ऑफर का लुत्फ उठाना है इस सीजन के अंदर, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर होंडा बिग विंग में, कांति नगर के अंदर है। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको नीचे मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आइए। आपको कोई सी भी बाइक बुक करानी है, चाहे CB300R हो या CB300F हो या हाइनेस हो या RS हो, तो आप इनमें से कोई सी बाइक ले सकते हो और इसका ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे ऐसे चैनल को, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।